अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम बना रहे हैं तुरई की सब्ज़ी, जिसको कहते हैं भरी हुई तुरइयाँ या मसाले वाली तुरइयाँ। ठीक है, तो ये है तुरई, इसको मैंने इस शेप में काट लिया है। ठीक है, ये आधा किलो तुरई है। इसे मैंने लिया है एक चम्मच साबुत धनिया जो मैंने भून के उसको कूट लिया है। इमली लिए है 4 से 5 दाने इमली के, इनको पानी में भिगो लिया है। ऑयल है, कुटी हुई मिर्चें हैं, पिसी हुई लाल मिर्च है, सफ़ेद ज़ीरा है, इसको भी भून के कूट लिया गया है। सौंफ है, इसको भी भून के कूट लिया गया है। सॉल्ट है, हल्दी है, थोड़ी सी हरी मिर्च है, ये एक टमाटर है, इसको भी रफली काट लिया गया है, और ये प्याज है, इसको भी रफली काट लिया गया है। ठीक है, तो चलिए जी शुरू करते हैं हम भरी हुई तुरई की सब्ज़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये तुरई डालूंगी मैं, इंतहाई इजी रेसिपी है, बस एक दफ़ा आपने काम कर लिया और उसके बाद बैठ जाए। फिर ये प्याज है, एक बड़ी प्याज, इसको हम ऐसे ही डाल देंगे, हमें कोई इसमें चमचा नहीं चलाना। अब ये टमाटर है, इसको भी मैं ऐसे ही डाल दूंगी। सफ़ेद ज़ीरा है भुना हुआ, सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ है, ये भी ऐसे ही चले जाएगा। आधा डालूंगी मैं। ये साबुत धनिया है, ये भी ऐसे ही चले जाएगा। सौंफ है, उनको भी हम ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे इसमें। कुटी मिर्चें हैं, हल्दी, पिसी मिर्च, इमली का पल्प, ये ऑयल है, सॉल्ट हद से ज़रूरत, ये सब आपने चढ़ा दिया। अब आपने इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है इसमें। ये देखें, मैंने ज़रा सा 2 चमचे पानी लिया है, अब हमने इसके साथ कुछ भी नहीं करना है, बस ये आपने सब कुछ डाल दिया और ये सब आप हो गया कवर। इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, थोड़ी देर बाद जब इसमें भाप बन जाएगी तो मैं इसको आके चलाऊंगी। बस ये ऐसे चला दिया और इन सबको मिक्स करके इनके हाल पे छोड़ दिया गया। सब मिक्स अच्छे से कर लिया, देखें आप खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, सारे फ्रेश फ्रेश मसाले हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो बहुत प्यारी खुशबू और बहुत ही अच्छे कलर्स आ रहे हैं आपके सामने। बस अब ये देखें आप, इसमें भाप बनने लगी है और ये देखें आप, ये खोल आने लगा ऐसे। ठीक है, तो अब हम इसको सबको ऐसे बस मिक्स करके ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको कवर कर देंगे और फ्लेम कर देंगे हम लो। बस फिर हम थोड़ी देर बाद आपको दिखाते हैं कि ये पक के कैसे रेडी हुई है। जब इसको भून रही होंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। जब ये तुरई है, अभी ये अपना पानी छोड़ेगी, प्याज पानी छोड़ेगी, टमाटर पानी छोड़ेगा, मसाले अपना पानी छोड़ेंगे, फिर ये सारे इसी पानी, जो सबका पानी होगा जो ये लोग रिलीज़ करेंगे, इन सब के पानी में ही ये सारी सब्ज़ियाँ गलेंगी और फिर सब कुछ गल के फिर जब ये मैं आपको दिखाऊंगी कि सब। ये देखें, ये पानी सब सब्जियों ने अपना छोड़ दिया है,
कितना सा पानी था जब मैंने आपको दिखाया था, और अभी कितना सारा है। और कलर देखें, कोई कलर ख़राब नहीं हुआ किसी भी चीज़ का, और होगा भी नहीं। बहुत इजी रेसिपी है ये, सब कुछ आपने बस डाला इसमें पॉट के अंदर, और सब कुछ डाल के ऐसे कवर कर दिया है। चूल्हा फ्लेम जो है ना, पहले हाई पे फिर मीडियम पे करा, और आराम से आप अपने घर के काम करें जो आपको करना है। बस सुकून से आप बैठ जाएं, आपकी जो डिश है वो खुद ही खुद रेडी हो रही है, अपने आप रेडी हो रही है वो, ठीक है। तो फिर जब ये इसको मैं भूनती हूँ, इसका पानी जब ड्राई हो जाता है, मैं इसको भूनने लगती हूँ, तो फिर आपको दिखाती हूँ। पानी जो है ना बहुत ड्राई हो चुका है, और अब ये भुनाई पर आ गया है, और सब्जियाँ भी देखें बिल्कुल गल गई हैं। अब जब जैसे जैसे हम भूनते जाएंगे, सब्जियाँ बिल्कुल ही गल जाएंगी। टमाटर देखें बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, कोई टमाटर नज़र नहीं आ रहे हैं, बस ये थोड़े थोड़े से रह गए हैं। इनको मैं ऐसे मैश कर लूँगी। इसमें हमारी तुरई भी गल गई है बिल्कुल, देखें। अब जब मैंने वैसे इसमें थोड़ा सा ही ऑयल डाला था जितनी ज़रूरत थी हमें, तो जब ऑयल अलग हो जाएगा, समझे सब्जी बिल्कुल भून गई है, खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। और कलर देखें आप, कोई कलर ख़राब नहीं हो, तुरई का कलर बिल्कुल सही दिख रहा है, टमाटर का भी सही दिख रहा है, मसाला भी बिल्कुल सही है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है बहुत, क्योंकि हमने इसमें सारे जो गरम मसाले थे वो भून के डाले थे, तो स्मेल इसकी बहुत अच्छी पूरे घर में फैली हुई है अभी इस वक्त मेरे। अभी मैं भून रही हूँ, तो ये हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। पानी देखें बस ड्राई होने वाला है, जैसे हमारे शुरू में था ना जब हमने ऑयल डाला था, ये उतना ही पानी हो गया जो मैंने 2 चमचे पानी डाला था, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। ऑयल आने लगा है सामने, ऐसे पता चलता है। ये इमली भी आ रही है, देखो इमली ये नज़र आ रही है साफ इस खाने में, क्योंकि खाने का जो ये सब्जी का कलर है इतना डार्क नहीं कि आप इमली चबा जाए मुँह में ना, तो इमली की गुठली नहीं है, तो ये साफ नज़र आ रही है, तो हम इसको ऐसे ही रिमूव कर लेंगे। मैंने डाली ही 2-3 दाने थे इमली के, बस ये देखें ऑयल बिल्कुल आने लगा है, आपको नज़र आ रहा होगा, दिखाती हूँ ऐसे। अब आप लोग मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताएं कि ये आपको कैसे लग रही है दिखने में, और चैनल हमारा कैसा लग रहा है, ये सब कुछ आप बताएं, ताकि इससे जो है ना फिर एक हौसला बढ़ता है। तो अगर आप हमारे चैनल और हमारा काम पसंद आ रहा है तो बताइए, फिर हम आपको इंशाल्लाह ताला और अच्छे अच्छे रेसिपीज़ भी देते हैं, अच्छे अच्छे वीडियोस देते हैं। ये सब्जी मेरी भून चुकी है बिल्कुल सही से, ठीक है। और ये सब्ज़ी बनाने में मैं आपको बता देती हूँ कितना टाइम लगा है, 1/2 घंटा लगा है बस, सब ठीक है। सारे मैंने मसाले निकाले, उसमें मुझे लगे भी कोई मुश्किल से 10 मिनट, और मसाले यानी प्याज काटा, प्याज और टमाटर और तुरई काटने मुझे लगे होंगे 10 मिनट, ठीक है। उन 20 मिनट को हटा के जो हमने ये सब्ज़ी में यानी गलने में टाइम लगाए और भुनाई में टाइम लगाए, ये 1/2 घंटा लगा है, ठीक है। हमने इसको कवर करके छोड़ दिया था, तो जब तक ये गली 1/2 घंटे में सब्ज़ी रेडी हो गई। और अगर वैसे टोटल टाइम लगाया जाए तो आप समझ लें कि कोई 35 से 40 मिनट का काम है, ये ज़्यादा नहीं है। अब ये सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है, मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देख रहे हैं ऑयल बिल्कुल ऊपर आ गया है, देख रहे बिल्कुल ऊपर आ गया, मसाले ने ऑयल बिल्कुल अलग कर दिया, और मसाला बिल्कुल सही से भून चुका है। अब मैं इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देती हूँ, मुझे ऊपर से हरी मिर्च पसंद है। देखें ये रेडी हो गई है सब्ज़ी, Thank you.
वैसे खड़े खड़े सारे मसाले अच्छे लग रहे हैं, सब अलग अलग पता चल रहे हैं, कलर्स भी और सब कुछ गला हुआ भी है बिल्कुल अच्छे से। और कितनी कलरफुल है और कितनी खूबसूरत है।